कड़क है। सो हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज उमंग सेठी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसे रब ने बनाने में हुस्न की कर दी थी खाली तिजोरियां, पर वही शख्स एक लाइव इंटरव्यू में अपनी ही तिजोरी खुजलाकर सूंघते हुए पकड़ाई गई। तेरा क्या बोला तूने? अपनी ही तिजोरी खुजलाकर सूंघते हुए पकड़ाई गई। जी हाँ दोस्तों, तो वो शख्स कोई और नहीं, अपने इंटेलिजेंस की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली, तो आई एम श्योर इंटेलिजेंस के नाम पर आपने अब तक गेस कर ही लिया होगा, आयला। वो आयला नहीं, आलिया भट्ट है, जिसकी बहुत ही घिनौनी सी वीडियो वायरल हो गई है पूरे सोशल मीडिया में और जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ट्रॉल की जा रही है। तो आइए वो वायरल वीडियो आपको दिखाते हैं, पर उसके पहले जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में वो बेल आइकन भी दबा देना, सो दैट आपके लिए मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाता रहा हूं। तो चलो फिर उस वायरल वीडियो पर ध्यान देते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मैंने माना कि शायद बड़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड होते, पर दीदी ये कैसा ऑब्सेशन है। एक बात तो है, महेश भट्ट बहुत ही खुश होंगे क्योंकि जहाँ एक तरफ पूरी बॉलीवुड ड्रग्स के नशे में धुत है, वहीं उनकी बेटी अपना खुद का बनाया हुआ ऑर्गेनिक नशा करती है। हाँ भाई, माना कि खुजलाते तो हम सब है, पर वैसे क्वालिटी चेक कौन करता है। टेस्ट यहाँ है, एवरेस्ट चाट मसाला बोरिंग खाने में भी ले आए चटपटे टेस्ट का मजा, एवरेस्ट चाट मसाला। इनकी एक्टिंग तो देखो, फुल मजा लेने के बाद वो एकदम क्यूट बनने की कोशिश कर रही है, जैसे कि हमें कुछ पता ही ना चला हो। इन्हें कोई बताएगा नहीं कि हमें पता चल चुका है कि इन्होंने उंगली डालकर उसे सूंघने की कोशिश की थी। गाइस मुझे तो लगता है कि बेचारे आदत से मजबूर है, करे भी तो क्या करे इंसान यार, अब मसल मेमोरी में जब बैठ गया है। आइए आलिया भट्ट की वीडियो को एक और बार थोड़े ध्यान से देखते हैं, देखते वो करना क्या चाह रही है। भाई सच कहूं तो मुझे भी लग रहा था कि ये वीडियो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, पर उससे मैं एक और वीडियो मेरे हाथ लगी आलिया भट्ट की, उसके बाद तो भाई साहब मेरा शक यकीन में बदल गया। देखो आप, आलिया को हमने कहीं बोलते सुना कि ये सबसे पहले किसी चीज से अट्रैक्ट होती है तो वो होती है स्मेल। सो अगर कोई आपको लड़का प्रपोज करता है तो आप क्या बोलती है, सोच के बताऊंगी कि सूंघ के बताऊंगी? आई मीन जो भी प्रपोज करेगा आई एम श्योर मैंने ऑलरेडी सूंघा ही होगा। तो भाई ये वीडियो वायरल होने के बाद बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो अपना पीछे माइक ठीक कर रही थी, कुछ कह रहे हैं कि उनका चेयर अनकंफर्टेबल था, पर हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंटरव्यू में वो अपने लास्ट नाइट डिनर का फीडबैक देने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया। और वो एक्सपर्ट मैं ही हूँ। गाइस आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या रीजन होगा इसके पीछे, क्या वो सच में अपनी तिजोरी की खुशबू सूंघ रही थी या फिर सच में कोई जेनुइन सा रीजन था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे व्यूअर्स ही मेरे एक्सपर्ट है और मेरे एक्सपर्ट की एडवाइस मैं जरूर सुनना चाहूंगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग कंटेंट्स के लिए, और भाई कमेंट में मुझे बताओ कि क्या लगता है आपको। गाइस मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, जय माता दी, खुदा हाफिज़।